चमोली में शिक्षकों की मांग को लेकर अभिभावकों ने तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार राज्य के इंटर कॉलेज थाला बैंड में भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी और सामाजिक विषय का पद रिक्त चल रहा है, जिसके कारण छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय की हिंदी प्रवक्ता को 15 दिनों के लिए गोली इंटर कॉलेज में अध्यापन के लिए भेजा गया है। ऐसी दशा में विद्यालय की स्थिति चिंताजनक है। अभिभावक संघ ने उप जिलाधिकारी कमलेश मेहता को ज्ञापन दिया और कहा कि जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, वरना आंदोलन करेंगे। उप जिलाधिकारी कमलेश मेहता ने कहा कि ज्ञापन शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा, जल्द ही इस संबंध में उचित कदम उठाएंगे। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। अभी हमारा जो ज्ञापन है वो खंड शिक्षा अधिकारी के हमने सौंप दिया है और उसके बाद हमारा जो जुलूस प्रदर्शन है वो सांकेतिक रूप में आज यहाँ पहुंच गया है। अगर इस प्रकार से और अब हम यहाँ पे जो हमारे उप जिलाधिकारी हैं उनको ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और इस प्रकार से अगर हमारे जो स्कूलों में जो जो अध्यापकों की जो 5 पद रिक्त हैं और इसके अतरेतर जो अन्य जो वहाँ पे अध्यापक थे उनको अन्य जगह समायोजित किया गया है। रोडवा में यही हाल है, नागनाथ में यही हाल है, उड़ामाना में यही हाल है और हमारे छोटे विद्यालयों में जो है प्राइमरी से लेकर और इंटर कॉलेजों तक यही हाल है। मैं शासन प्रशासन से और अपनी सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप शीघ्र से शीघ्र नए अध्यापकों की नियुक्ति प्रत्येक विद्यालय में करने का कष्ट करेंगे। तहसील दिवस का आयोजन किया गया था, प्रति माह किया जाता है। यहाँ पर आज हमें 21 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 11 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, बाकी 10 के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है और एक सप्ताह के अंदर बाकी शिकायतों का भी निस्तारण होगा।